नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज दोस्तों हम एक हॉर्न की बात करेंगे जो इंडिया का नंबर वन हॉर्न है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये हॉर्न है जो लिखा हुआ है यूएनओ मिंटा कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, जहाँ पर नीचे लगा हुआ है इंडिया नंबर वन हॉर्न मैनुफैक्चरर। यानी जो मिंटा जो है इंडिया का नंबर वन मैनुफैक्चरर है हॉर्न के, हॉर्न जो बनाता है। और इसके इसमें जो स्पेसिफिकेशन दी गई है डिटेल्स वगैरह, इसमें D95 यानी डेसिबल 95 डेसिबल तक की इसमें साउंड प्रोड्यूस करता है ये। और आपको इसके नीचे कुछ लिखे गए हैं, क्या लिखा गया, 100% वाटर इमर्सेबल प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है और फॉर रीचिंग लाउड एंड शार्प साउंड। उसके बाद लिखा है सर्विस प्रोवन टाइम लेस परफॉर्मेंस वेदर एंड कोरिजन रेजिस्टेंस, मौसम और रेजिस्ट कोरिजन भी नहीं लगता, जंग रोधक है, इसमें जंग भी नहीं लगेगा। वो देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इस साइड कुछ सिंबल्स दिए गए हैं कि 12 बोल्ट उपयुक्त 24 बोल्ट में ये अवेलेबल है इनके पास। 3 एम्पेयर मैक्सिमम लोड है इसका। साइकिल इसमें लिखा है 360 टू 460 हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पर चलेगा। उसकी डेसिबल क्या है साउंड की, 110 से लेके 118 तक इसको मिल सकता है। और ये डाया 95 mm इसका डाया रहेगा। जो डाया क्या होता है मैं बताऊँगा आपको टोटल, यानी कि एंड टू एंड जो है इसका 95 डाई का है ये। और बाकी इसका प्राइस वगैरह, इसमें स्टिकर लगा है, उसके लिए हमें स्टिकर पढ़ना पड़ेगा कंपनी के द्वारा। इधर भी सेम चीज़ लिखी है। अब इसका स्टिकर क्या है देख सकते हो दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है स्टिकर इसका दिया हुआ है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कंपनी का एड्रेस वगैरह। और इसमें क्या है, हॉर्न है जेन्युइन लिखा हुआ है, आगे आप देख रहे होंगे हल्का कलर से जेन्युइन लिखा है। उसके बाद हॉर्न है जो 24 बोल्ट हाई टोन है, 24 बोल्ट का ये हॉर्न है। इसकी पार्ट नंबर लिखा हुआ है, क्वांटिटी एक है, यूएसपी इसकी जो प्राइस है 369 इसका प्राइस है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, हर टैक्स के साथ 369 में ये मिलेगा आपको पर यूनिट, यानी हर एक पीस। तो ये है इसका। और इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं इस हॉर्न के रिगार्डिंग, वो इंस्ट्रक्शन क्या है वो मैं आपको चेक कर देता हूँ। तो ये हम डब्बा ओपन करते हैं इसका, तो यहाँ पर कुछ लिखा है माउंटिंग इंस्ट्रक्शन, देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, यहाँ पर माउंटिंग इंस्ट्रक्शन लिखा है, कैसे फिट करना वो भी इसमें पोजिशन दिया गया है, इस टाइप से ही आपको इसको फिट करना है। इसमें क्या लिखा, पोजीशन ऑफ हॉर्न, यानी कि मैं सिंपली आपको बताता हूँ, हॉर्न को जो हमेशा फ्रंट साइड में ही लगाना है, जहाँ पे एक इंजन का कोई गर्म पार्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, और जहाँ पे डायरेक्ट बारिश भी ना आए और पानी का झटका भी डायरेक्ट उस पर जाके ना गिरे। और दूसरे नंबर में यही लिखा है, डू नॉट यूज़ वाटर जेट, यानी जो गाड़ी की हम वॉशिंग सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं डायरेक्ट इस पर पानी नहीं डालना है उससे, ताकि पानी डायरेक्ट डालने से हो सकता है कुछ छींटे अंदर जा सकते हैं, जैसे कॉइल ख़राब हो सकता है आपका, तो डायरेक्ट उसको पानी से नहीं धोना है, जेट वाटर से। वो इसको लिखा है, हॉर्न की लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें रिले का इस्तेमाल करें, हॉर्न रिले लगाएंगे तो आपकी इसकी हॉर्न की लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, तो बढ़ जाएगी। और उसके बाद लिखा है इसमें कुछ और भी टिप्स दिए गए हैं कि हॉर्न को कम से कम आप इस्तेमाल करिए जब आपको ज़रूरत हो। अगर आपको हॉर्न की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार में 3 सेकंड से ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, ये आपको इसमें लिखा है। और इसको कैसे फिक्स करना है, ये आपका डू नॉट टेम्पर विद हॉर्न लिखा है, टर्मिनल माउंटिंग ब्रैकेट और प्लास्टिक बस स्क्रू, इसको कुछ भी ऐसे ज़्यादा नहीं करना हार्ड। तो फिक्सिंग कैसे करना है उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख के समझ सकते हैं। और मैं बात कर रहा था दोस्तों इसकी डाया की, जो कि इसमें 95 में बता रहा था, तो मैं आपको हॉर्न निकाल के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पहले ये पुराना है, इसलिए मेरा पुराना ख़राब हो चुका था, उसको रिप्लेस करने के लिए मैंने ये मिंटा का लगाया। इसमें जो पहले जो लगा था ये हैला कंपनी का लगा हुआ था हॉर्न, देख पा रहे हैं वो पहला। और जो आउटर डाया होता है जहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मेरे इस उंगली से लेके वहाँ तक का जो डाया होता है वो 95 mm का था इसमें, जो मैंने परचेज़ किया था। उसमें जो लिखा वाटर स्प्रे प्रूफ है, ये जो हॉर्न है लगा, ये वाटर स्प्रे प्रूफ है। बाकी इसमें ऑलरेडी पत्तियाँ लगी रहती हैं, कैसे फिक्स करना है, किसके साथ फिक्स करना है, टर्मिनल 2 दिए रहते हैं वो सेम है, 24 बोल्ट पर ऑपरेट करता है ये भी। तो ये टर्मिनल है, इसके साथ हमें वायर कनेक्ट करना है और ये हॉर्न हमारा वर्किंग कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस हॉर्न के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का मिंटा। मैक्सिमम कंपनियाँ इसी कंपनी का स्पेयर पार्ट यूज़ करती है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं है इस हॉर्न में, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।